हेलो एंड वेलकम टू पेबल्स किचन। पेबल्स के किचन में आपका स्वागत है। आज हम एक अलग प्रकार का लड्डू बनाने जा रहे हैं जो मूंगफली के दाने से बनता है। तो मूंगफली के लड्डू घर पे कैसे बनाए जाते हैं, चलिए देखते हैं। शेंगदाना लड्डू या मूंगफली के लड्डू बनाने के लिए हमें रोस्टेड या भुने हुए शेंगदाने लेने हैं, जो मूंगफली होती है, गुड़, घी और इलायची पाउडर। जो हमने भुने हुए मूंगफली लिए हैं इसको हमें ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये ग्राइंड करने के बाद ऐसा लगेगा पाउडर। हमने जो गुड़ लिया है उसको हमें पिघलाना है, तो एक छोटी कढ़ाई में हम गुड़ को थोड़ा पिघलाएंगे। इसमें गुड़ डाल के धीमी आंच पे इसको थोड़ा पिघलने के लिए रख दीजिए और थोड़ा सा घी डालिए। घी डालने से गुड़ नीचे चिपकेगा नहीं और ये मेल्ट हो जाएगा। गैस बंद कर दीजिए। गुड़ को पिघलाने के लिए आप माइक्रोवेव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बड़ा बोल लीजिए, इसमें पिघला हुआ घी और गुड़ का मिश्रण डालिए और जो हमने भुने हुए मूंगफली लिए थे जिसका पाउडर बनाया था वो डालिए और इलायची पाउडर डालिए। उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। इसको और स्वाद लाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े भी डाल सकते हैं। अब ये मिश्रण तैयार हो गया है, इसके छोटे छोटे लड्डू आप बना सकते हैं। ये देखिए ये लड्डू तैयार हैं। ये रेसिपी बहुत झटपट जल्दी बनने वाली है, आप बना के देखिए। ये है तैयार मूंगफली के लड्डू। तो आपने देखा मूंगफली से लड्डू भी बनाए जाते हैं, आप ज़रूर बना के देखिए और हमें आपका फीडबैक हमें ज़रूर भेजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।